हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दही वड़े की रेसिपी, जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसे बहुत ज़्यादा बनाना आसान है और ये 5 से 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगा। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने ली है ये भीगी हुई उड़द दाल, हमने इसे भिगो कर रख दिया था। तो हमने दाल के अंदर हरी मिर्च, 3 हरी मिर्च है, एक छोटा अदरक का टुकड़ा है, ये डाल दिया है। हमने इसे रात भर भिगो कर रख दिया था। ये 200 ग्राम उड़द दाल है और ये वाइट उड़द दाल है, यानी ये छिलके वाली नहीं है। तो इसे हमने रात भर भिगो दिया था और इस तरह से ये फूल गई है। तो ये ज़्यादा अच्छा इसका बैटर बनेगा। हमने इसे पीस लिया है और इस तरह का हमने बैटर तैयार कर लेना, और हमने इसे 5 से 10 मिनट लगातार फेंटना है। हम एक ही डायरेक्शन में इसे फेंटेंगे, ऐसे नहीं। अगर हम राइट इस तरह से फेंट रहे हैं तो इसी तरह से हमें फेंटना है, क्योंकि इसके अंदर हवा भर जाती है और उससे ये बहुत अच्छे दही बड़े बनकर तैयार होते हैं, यानी फूले फूले। तो एक ही डायरेक्शन में आपको इसे फेंटना है। फिर जी हम यहाँ पर ऑयल गरम कर लेते हैं। ऑयल को हमने अच्छी तरह से गरम कर लेना है, यानी इसे खूब हम गरम कर लेंगे। फिर उसके बाद इसे हल्का सा हम मीडियम कर देंगे, उसके बाद हम अपने वड़े डालेंगे। तो इस तरह से सभी वड़े डाल दिए हैं, डाल देंगे जब तेल गर्म हो जाए तब करना है। और उससे पहले तेल में आप थोड़ा सा नमक भी डाल दें, तेल की जो कड़वाहट होती है वो ख़त्म हो जाती है और तेल की जो स्मेल होती है वो वड़ों के अंदर भी नहीं आती। अच्छी तरह से पका लेना है आपको। ये देखिए थोड़ा सा इसमें डाला है नमक, एक तरफ से जब ये सीख जाए हमने साइड चेंज कर देनी है। तो इस तरह से हमने सभी वड़े तैयार कर लेने हैं। ये देखिए जालीदार वड़े बनकर तैयार हो गए हैं। और हमने 200 ग्राम दाल में हमने कितने सारे वड़े बनाए हैं, तो ट्रे भरकर हमने ये बना लिए। बाउल के अंदर हमने यहाँ पर गर्म पानी ले लेना है और उसके अंदर वड़े डाल देने हैं। तो हींग नमक डालकर इस तरह से हमने ढककर इसे थोड़ी देर के लिए रख देना है, यानी ये पानी सोख कर लें, अपने अंदर सोख लें। और फिर इस तरह से हल्के हाथ से हम इसे प्रेस करेंगे और जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा। इस तरह से हल्के हाथ से करना है वरना टूट जाएंगे। तो थोड़ी देर रखना है, ज़्यादा देर नहीं रखना, यानी 3 से 4 मिनट रखें बस, या इससे ज़्यादा आपको लगे कि सॉफ्ट करने हैं तो इस तरह से। और फिर हमने दही ली और दही में हमने थोड़ा सा शुगर ऐड कर दिया था दही को फेंट कर, और फिर ऊपर से डाली ये ग्रीन चटनी। तो ये चटनियाँ मेरे पास तैयार की हुई थी, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं आपको इसकी रेसिपी भी दे दूँगी। तो पहले ये तैयार हुई थी, तो ऊपर से हमने डाला थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, और ये देखिए हमारे मज़ेदार से दही वड़े बनकर तैयार हो गए। थोड़ा सा नमक भी डाला, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर इस पर डाल दिया था। अगर आपको तो यहाँ पर हमने मज़ेदार से दही वड़े बनकर हमारे तैयार हो गए हैं, और बहुत ही मज़े की और बहुत ही आसान रेसिपी है, बस झटपट बन जाते हैं। अगर किसी का खाने का मन है तो ज़रूर एक बार इस तरह से बनाकर देखिए, बहुत मज़े के बनेंगे। और अच्छी बात यह है कि हम घर पर बनाकर खाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा खाना होता है, क्योंकि बाहर की निस्बत, क्योंकि अब बरसात चल रही है और बहुत ज़्यादा मच्छर और कीड़े मकोड़े सभी बाहर बारिश के मौसम में रहते हैं और इससे फूड पॉइज़न का ख़तरा रहता है। तो घर पर बनाइए और खाइए। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए।